नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है, विदेश नीति में व्यापक बदलाव कब वक्त। इसके जो लेखक है उनका नाम है हर्ष बी पंत। एक उन है लेखक है लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं जब से चाइना का मुद्दा उठा हुआ है, भारत चाइना की भी झड़प हुई है, फिर आपने देखा नेपाल भी अपने पैर पसारने लगा है। जो कल तक हमारी ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहा करता था वो भी आज हमारे खिलाफ जाने लगा है। उस तरफ आप देखते हैं पाकिस्तान हमेशा से अपना रवैया खराब हमारे प्रति रखता रहा है। तो देखते हैं आखिर ये क्या बोल रहे हैं, इसमें विदेश नीति में व्यापक बदलाव करने की बात कैसे कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से दावोस में कश्मीर को लेकर एक दिए गए बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जैसी दो टूक प्रतिक्रिया व्यक्त की, उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय विदेश नीति में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल जैसे जैसी ऊर्जा न केवल कायम रहने वाली है बल्कि वह अपने नए तेवर दिखाने को भी तैयार है। अपनी सरकार की दोबारा कमान संभालते ही मोदी ने विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपनी महत्वाकांक्षी खाका खींचने में देरी नहीं की है। याद रखिए, यहाँ अगर मोदी सरकार की जगह अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ मोदी प्रशासन लिखें, क्योंकि भारत सरकार होती है, सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, ना ही किसी कांग्रेस की होती है, ना बीजेपी की होती है, सरकार भारत सरकार होती है, मोदी प्रशासन होता है। तो मोदी प्रशासन शब्द यूज कर सकते हैं आप लोग। उन्होंने विदेश मंत्री जैसे प्रमुख राजनीतिक पद पर पूर्व राजनयिक एस जयशंकर की नियुक्ति करके तमाम लोगों को हैरान कर दिया, मगर इसमें विदेश नीति को लेकर उनकी गंभीरता को भी व्यक्त किया है। यह नियुक्ति करते समय शायद उन्हें वैश्विक मोर्चे पर उथल पुथल का बाखूबी भान था, यानी कि अंदाजा था, जिसमें भारतीय विदेश नीति को अपनी प्राथमिकता तय करना बेहद जरूरी था। इसके लिए किसी भी मंझे हुए कूटनीतिज्ञ की दरकार थी, यानी कि जरूरत थी। इसीलिए आप कह सकते हैं कि एस जयशंकर साहब को विदेश मंत्री बनाया गया। जयशंकर साहब की नियुक्ति के साथ ही मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि विदेश नीति उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में होगी। यह जरूरत तब और ज्यादा महसूस हुई जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया। चूंकि यह मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया है, इसलिए भारतीय पक्ष को बेहतर तरीके से रखना जरूरी था। वैश्विक बिरादरी को यह समझाना बेहद आवश्यक था कि भारत ने यह फैसला किन परिस्थितियों में उठाया है। इसमें जयशंकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पर 370 धारा पर। विदेश नीति के व्यापक मोर्चे पर को देखें तो भारत बड़ी शक्तियों को साधने और दुनिया के तमाम अन्य कोनों में अपनी पैठ बनाने में जुटा हुआ है। पिछले साल आभास हुआ कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मुश्किल दौर में है। अमेरिका ने भारत को मिली GSP का दर्जा छीन लिया था। इसके पीछे यह बजाय बताई गई वजह कि भारत इसके बदले अपने बाजार में अमेरिका का को उचित अवसर प्रदान नहीं कर रहा है। अमेरिका ने भारत से होने वाले शुल्क मुक्त निर्यात की राशि राय मुश्किल बनाने के साथ ही इस्पात और एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। आयात शुल्क का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी देश से आयात कर रहे हैं तो उस पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगा देना, यानी कि शुल्क उसका टैक्स बढ़ा देना, उसे ही हम लोग आयात शुल्क कह देते हैं। क्या होता है कि आप समझ सकते हैं कि चीनी सामान है वो बड़ा सस्ता रहता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ के जो घरेलू कंपनियां होती हैं वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती उनसे, क्योंकि वहाँ सामान को बनाने में ही कम लागत आती है। तो इसके लिए क्या करती है हमारी भारत सरकार, कि उस पर चीनी आयात सामान पर टैक्स बढ़ा देगी जिससे वो महंगा हो जाएगा और हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं उन्हें इसमें सहूलियत मिलेगी। भारत ने भी अमेरिकी बादाम एवं सेब जैसे 28 उत्पादों के लिए आयात शुल्क बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद सितंबर में मोदी ने के अमेरिकी दौरे में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहयोगी के साथ कारोबारी रिश्तों पर जमा बर्फ कुछ पिघली। वहां मोदी ने वॉशिंगटन को यही संदेश दिया कि परस्पर लाभ के किसी भी समझौते के आधार पर नई दिल्ली व्यापक सक्रियता के लिए तैयार है। आपने देखा होगा हाउडी मोदी,
मोदी, यही हुआ था वॉशिंगटन। ट्रंप को आश्वस्त कर उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों में गिरावट को थामा, साथ ही कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आशंकाओं को भी दूर किया। यह मोदी का दौरा ही था कि भले ही दोनों पक्ष किसी अहम व्यापार समझौते को लेकर सहमत नहीं हो पाए, लेकिन भारत को लेकर ट्रंप के सुर अवश्य सकारात्मक रूप से बदल गए हैं। अब इसके आसार दिखने भी लगे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ सकते हैं, अभी आए हुए थे, आपने देखा था। चीन के साथ सक्रियता बढ़ाने की दिशा में भी मोदी के प्रयास जारी है। इसी सिलसिले में मामल्लपुरम में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दूसरी अनौपचारिक बैठक हुई। इससे पहले 2018 में डोकलाम गतिरोध के कारण इस कड़ी में चीन के वुहान में हुई पहली बैठक में दोनों के बीच तल्खी कुछ कम हुई दिखी थी। याद रखिए, अनौपचारिक मीटिंग का सीधा सा मतलब होता है कि इस पर कोई पहले से मतलब निर्धारित मुद्दे नहीं होते हैं बात करने के लिए, किसी भी मुद्दे पर बात की जा सकती है। ठीक है, नई दिल्ली में अब यह स्वीकृति आम होती जा रही है कि चीन भारतीय हितों पर आघात करने की कूटनीतिक और एवं राजनीतिक कीमत चुकाने से परहेज नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसा मंच इसका गवाह बना, जहां कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहा चीन। भारत और चीन के बीच तमाम मतभेदों के बावजूद भारत के लिए चीन के साथ लगातार सक्रियता बढ़ाना बेहद जरूरी है। पिछले साल सितंबर में ही रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उस दौर का उद्देश्य द्विपक्षीय रिश्तों को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई गति देना था। इसी तरह पूर्वी आर्थिक मंच पर मोदी की मौजूदगी भी कई पहलुओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसे वक्त में जब वैश्विक आर्थिक धुरी एशिया की ओर केंद्रित होती दिख रही है, आप लोग सबों को पता होगा कि 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जाता है, लेकिन देखते हैं किस तरह से एशिया की सदी बनती है। उसे देखते हुए पुतिन एशियाई शक्तियों की सहायता से अपने पूर्वी इलाकों को विकसित बनाने पर जोर दे रहे हैं। रूस के इस इलाके में फिलहाल चीन का बढ़ता दबदबा मॉस्को को असहज कर रहा है, इसलिए पुतिन चीन पर निर्भरता घटाने के प्रयास में भी जुटे हैं। भारतीय निवेशकों को भी वहां बढ़िया अवसर मिलेगा। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने में जुटी हुई है, ताकि वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय हितों की आधिकारिक पूर्ति हो सके। इस रणनीति की छाप दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देशों से लेकर हिंद महासागरीय देशों, हिंद प्रशांत देशों और पश्चिमी एशियाई देशों तक पड़ती है। इतना ही नहीं, अपने हितों पर प्रहार करने वाले देशों को भारत अपनी आर्थिक मजबूती का एहसास कराने से भी गुरेज नहीं कर रहा है। जैसे कि अनुच्छेद 370 पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भारत का विरोध किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल अपना पहला तुर्की दौरा तत्काल रद्द किया, बल्कि भारत में प्रतिरक्षा संबंधी कारोबार में जुटी एक तुर्की कंपनी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मलेशिया को भी इसकी तपिश झेलनी पड़ी। यानी कि कहने का मतलब है कि अब भारत उस स्थिति में है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भारत करेगा उसके साथ। ठीक है, भारतीय विदेश नीति निरंतर उभार ले रही है। वैश्विक शक्ति संतुलन में उभर रहे किसी देश के लिए यह बहुत स्वाभाविक भी है। इस दृष्टिकोण की पुष्टि जयशंकर के हाल के उस भाषण से भी होती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत बदलाव के दौर इस दौर में और अधिक आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, और महाशक्ति बनने की हसरत रखने वाला कोई देश सीमाओं के अस्पष्ट रेखांकन, छिन्न भिन्न क्षेत्र और अवसरों को भुनाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इससे भी बढ़कर वह देश बदलते वैश्विक ढांचे को लेकर अड़ियल नहीं बना रह सकता है। साफ है कि मोदी सरकार विदेश नीति के लिए खींचे अपने खाके पर आगे ही बढ़ेगी। इसमें कई परंपरागत नीतियों से पलटना भी पड़ सकता है, जिसमें कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि महाशक्ति बनने के लिए नई दिल्ली वह कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है। तो चलिए, था आपका आपकी विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल।